मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST की श्रेणी में शामिल करने को लेकर मणिपुर में 3 मई से भड़की हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 8 मई को मीडिया से बातचीत की और इस दौरान CM एन बीरेन सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर राज्य में हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी है। मेथार को हुए घटना को सबसे अनफॉर्चुनेट हम लेते हैं और इसी घटना में जो जान गई है एज पर दी अवेलेबल रिपोर्ट एज ऑफ नाउ अराउंड 60 सब इनोसेंट है और इंजूर हुआ है अराउंड 231 पीपल, सीरियस है माइनर है और घर उड़ चढ़ा है अराउंड 1700 हाउसेस वेर बर्न डाउन। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आई शुड से एंड आई अपील टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर टू कम एंड वी शुड टुगेदर ट्राई टू ब्रिंग पीस इन द स्टेट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। तो उधर मणिपुर में पढ़ाई कर रहे अलग अलग राज्यों से आए छात्रों को हिंसाग्रस्त इलाकों से सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां मध्य प्रदेश के छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए व्यवस्था की गई तो वहीं हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे हरियाणा के 5 छात्र भी दिल्ली पहुँच गए हैं। उधर राजस्थानी स्टूडेंट्स को भी जयपुर पहुँचाना शुरू कर दिया है और 8 मई तक 82 स्टूडेंट्स जयपुर पहुंचे हैं। इस बीच त्रिपुरा के CM मणिक साहा ने भी मणिपुर हिंसा में फंसे छात्रों के पेरेंट्स और गार्जियंस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फोन पर मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह से बातचीत करवा कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। আমাদেরই এখান থেকে একটা টিম ত্রিপুরাতেই CRPF-এর টিম এখানে এয়ারলিফ্ট হয়েছে, এর জন্য আমাদের পক্ষে সুবিধা হয়েছে ওনাদেরকে ওই জায়গার মধ্যে যাওয়া এখানে দেখা এসব এইগুলো তো চলছে। আমরা মানে কোনো সমস্যা নেই, আমরা আলাদাভাবে আমি দেখব ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা যেখানে যেখানে আছে ওনাদেরকে আমি দেখে রাখবো, আপনি চিন্তা করবেন না, এটা উনি আশ্বস্ত করলেন। তারপর আমি হোম মিনিস্টারের সাথে কথা বললাম, অমিত শাহজির সাথে একটু আগে। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाई कोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है। इसको लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 17 मई को होगी।